हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या की इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कोविड स्वास्थ्य नायक सहायक की, जिसके अंदर हमारे 2500 शिक्षक साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट आने वाली है चुनावी दिनों के लेकर से लेकर, और क्या सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और चुनाव से भी क्या बड़ा फैसला देखने को आपको मिल जाता है। तो भाई, कौन सी सरकार आपको जो है संविधान में शामिल करेगी और कौन सी जो है नो जो सरकार जो आपको संविधान में शामिल नहीं करेगी, उसके बारे में भी अपडेट आपको देने वाले हैं। क्योंकि भाई, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है हमारे 28,000 छः साथियों के लिए। बहुत लंबे समय से इनकी नौकरी से हटा दिया गया है, वंचित कर दिया गया है, तो अब जल्दी इनको जो है नौकरी के पदों पर इनकी जो अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो भाई, वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच कर लेना ताकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप तक मिल सके और आप जो है किसी भी जो अपडेट से वंचित ना रह पाएँ। और आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर पहले और विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कर देना ऑल पे सेट, ताकि जो सी नई नई अपडेट जो आप तक मिल सके और आज हमारे किसी भी जो अपडेट से वंचित ना आ पाए। तो भाई, देर ना करते हुए चलेंगे अब अपडेट की ओर। क्या बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो सभी नर्सिंग साथी कल करेंगे शक्तिकांत शर्मा रेजिस्टेंस का विरोध, जिसके अंदर हमारे सिंची साथियों के लिए जो भर्ती का विरोध निकाला जा रहा है, जिसके अंदर देख सकते हो भर्ती लिखित परीक्षा में स्थायी भर्ती लास्ट कब की हुई थी, और जिसके अंदर ये विरोध जताया जा रहा है, जिसके अंदर सिंचो पेपर लीक मुंह बंद, सिंचे को नौकरी से निकाला और नर्सिंग की लिखित परीक्षा में अस्थायी तुम्हारा, जिसके अंदर आपको बड़ी अपडेट आपको यहाँ से और नेक्स्ट प्रोग्राम देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप देख सकते हो वापस से एक और चुनौती आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर चीन में असल में रोग के मामलों में वृद्धि को देखते हुए श्रीमती सुरभा सिंह ने चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट किया है, जिसके अंदर दोस्तों देख सकते हो चीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है सीचे साथियों की, और हमारे जस्ट भारत में भी ये रोग जो आने वाला है, और इसके अंदर आपको हमारे सीचे साथियों को जो स्थायी पदों पर हो सके तो इनको केंद्र सरकार के पत्र पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार सभी अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन संक्रामक रोगों की सर्विलेंस और रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता के साथ आप कार्य कर सकते हो, और इसके अंदर आप आसानी से अपने जो सीमित पदों पर नौकरी का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा। तो भाई, ये थी आज की हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो भाई, कैसे लगी अपडेट? अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कर देना ऑल पे सेट, ताकि जो सी नई नई अपडेट आप तक मिल सके और आज हमारे किसी भी जो अपडेट से वंचित ना आ पाए। तो भाई, देर ना करते हुए चलेंगे अपडेट की ओर। क्या बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली है। तो भाई, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।